बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुस्ना शुद्रानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला गुरू। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारी नई नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात और अप्लाई करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और इसी के साथ साथ अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको पाकिस्तान में आने वाली तमाम तर जॉब्स का पता चलता रहे। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी जॉब की तरफ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से गूगल क्रोम को ओपन करना है। उसके बाद जी सर्च बार पे आपने NOKRI नौकरी FIND फाइंड नौकरी फाइंड लिखकर आपने सर्च कर लेना है। आपके सामने एक वेबसाइट आई है, इस पर क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, न्यू जॉब्स के अंदर देखें, पहले नंबर पे हेल्थ डिपार्टमेंट जॉब्स 2022, इस पर क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड आउट करना है। उसके बाद आ जाती हैं डिटेल्स। डिटेल्स आपने बहुत अच्छे से रीड आउट करनी है, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। जी दोस्तों, 2 सितंबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 15 सितंबर तक। 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। एजुकेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशंस बताऊंगी इसमें जी, पोजीशंस हैं जी, सैनिटरी वर्कर की पोजीशंस खाली हैं। अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है वो बता देती हूँ। सबसे पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऐसे तैयार करेंगे कि आपके पास आपकी डिटेल CV होनी चाहिए, आपके CNIC की कॉपी होनी चाहिए, आप पासपोर्ट साइज तस्वीरें होनी चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, आपके फादर की CNIC की कॉपी होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ आपके तमाम एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, आपने अपने तमाम तो डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवा के अटैच कर देना। और यहाँ देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट में नीचे आपको एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस एड्रेस पे किसी भी करीबी पोस्ट ऑफिस के जरिए कॉरियर करवा देना है। नीचे अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तमाम तो डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर अभी भी आपको कोई मसला हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आने वाली अपडेट्स और नई मालूमात के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, खुदा हाफिज़।